हेलो फ्रेंड, हैप्पी सोमवार। तो फ्रेंड, ये इतना टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ था ना फ्रेंड, आप अभी जाइए और किचन में बना लीजिए। बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो उसके लिए मैं आधा केजी ले ली थी लौकी, जिसे कद्दूकस कर ली थी। कद्दूकस करने के बाद हमें अच्छी तरह से इसे धो लेनी है। धोने से क्या होता है ना कि बीज वगैरह जो होता है निकल जाता है पानी में। उसके बाद पानी बॉयल करने के लिए रख दी थी, तो बॉयल पानी में हमें इसे डाल देनी है फ्रेंड। डाल करके अच्छी तरह से इसे हमें पका लेनी है पानी में, जब तक कि गल ना जाए अच्छी तरह से। तो इसको गला लेनी है अच्छी तरह से, देख सकते हैं इस तरह से। तो हाथ में मैं लेकर आपको दिखाती हूँ मैश करके। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जा रहा है, यानी कि ये पक गया है। तो उसके बाद हम एक जाली वाला बर्तन में निकाल लेंगे सारा पानी। निकालने के बाद एक पैन बैठाएंगे, उसके अंदर हमें डाल देनी है और साथ में हमें शुगर डाल देनी है। तो मैं आधा कप डाल दी हूँ शुगर। आपको मैं इंग्रेडिएंट्स भी लिख दे रही हूँ साथ के साथ, स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना कितना डालनी है। बाकी तो आप खाना बनाते हैं तो आपको अंदाजे होगा कितना क्या डालना होता है। उसके बाद चीनी का हमें पानी सुखा लेनी है। सुखाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। तो घी में ही बनानी है फ्रेंड। बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था, बहुत टेस्टी लगा था। आपके बारे में कितने भी आप बनाएगा तो कम पड़ जाएगा, तो मैं तो थोड़ा बनाई ही थी। तो यहाँ पर इस तरह से हमें सुखा लेनी है और घी में भूनने के बाद हमें यहाँ पर खोया डाल देनी है। तो मैं 1 पैकेट दूध की खोया बना ली थी, मैं घर पे ही बनाई थी फ्रेंड। आप चाहें तो बाहर से भी ला सकते हैं। तो 100 ग्राम हमारा खोया है। उसके बाद आप अपने मनपसंद की ड्राई फ्रूट डाल दें, और इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं डाली हूँ, आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद हमें अच्छी तरह से लो फ्लेम पे मिक्स कर लेनी है। उसके बाद हमें गैस को बंद कर देनी है। बस ये खाने के लिए रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। मैं खाने के बाद आपको बता रही हूँ, ये तुरंत के ताज़ी ताज़ी वीडियो है, आज ही का वीडियो है बनाया हुआ, आज ही मैं अपलोड कर दी हूँ। क्योंकि सब लोग करते हैं सोमवारी, तो उनके लिए कुछ ना कुछ त्यौहारों में बनाना होता है, तो इसलिए मैं अपलोड कर दे रही हूँ आप लोग के